Hey, hello everyone, this is your Bollywood spy, यानी कि आरजे दिव्य सोलगों और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सब के चहेते जिमी शेरगिल एंड रितिका। ये तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ट्रेलर देखा एक लंबे अरसे के बाद एक तरह की एक फिल्म देखने मिल रही है, यू नो मर्डर मिस्ट्री हु डन इट टाइप का जो चीज़ है। तो सबसे पहले तो आपसे दोनों से जानना चाहूँगा कि मतलब क्या क्या डिफरेंट क्या है, इतनी सारी मतलब फिल्में बनती है, व्हाट्स डिफरेंट आउट हियर? नहीं, आई थिंक डिफरेंट तो कोई भी चीज़ नहीं होती, कहानियाँ उतनी होती हैं, कुछ मर्डर मिस्ट्रीज होती हैं, कुछ रोमांटिक होती हैं, एक्शन होती हैं, थ्रिलर होती हैं, सस्पेंस थ्रिलर होती हैं, वही 8-10-12 चीज़ों के अराउंड चीज़ें घूमती हैं। बट इसमें यही है कि ट्रू इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है, तो डायरेक्टर फिर यूके से हैं, उन्होंने उनके साथ बैठ के ऐसे कुछ ट्रू इंसिडेंट्स को एक कहानी में जोड़ के वो सारा कुछ किया। और ओरिजिनली जो स्क्रिप्ट थी वो इंग्लिश में थी, जो मेरे पास आई थी, उन्हें पढ़ी थी, मुझे पसंद आई थी। उससे कई साल पहले मैं एक उनकी पहले की स्क्रिप्ट भी पढ़ चुका था जो मुझे पसंद आई थी, मैंने उनको कहा था, बट दैट फिल्म डिडंट हैपन, आई डोंट नो व्हाट रीज़न, क्या हुआ। इतना ही कहा कौन इसे प्रोड्यूस कर रहा है, तो उन्होंने बताया था कि टी सीरीज कर रही है। मैंने कहा एक बार आपके हिंदी डायलॉग्स जब हो जाएंगे तो मुझे एक बार भेज दीजिएगा स्क्रिप्ट। प्राइमरीली आई लाइक्ड द स्टोरी एंड प्रिंसिपली अभी सब कुछ जो है वो ठीक है, बस एक बार हिंदी का हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज आपको हमेशा यही होता है कि जब एक इंग्लिश में यूके की कहानी के ऊपर इंग्लिश में डायलॉग्स आए तो उनको जब ट्रांसलेट करोगे तो कैसा होगा, वहाँ का कमिश्नर जो है वो तो इंग्लिश में ही बात करेगा, अब वो हिंदी में बोलेगा तो कैसा लगेगा। तो वो चीज़ों को एक बार आपको देखना पढ़ना ज़रूरी था, तो आई थिंक तब तक सारी चीज़ें फाइनल भी हो गई एंड एवरीथिंग एंड स्क्रिप्ट भी आ गई हिंदी में, तो पढ़ा सारा कुछ था, इंटरेस्टिंग था मामला, कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग था, एंड देन फाइनली वी वेंट अहेड एंड वेंट इन शॉट द फिल्म एंड दिस थिंग। बट इतना ज़रूर है कि एक वो टिपिकल जो इंसान को वो होता है कि एक फिल्म शुरू होती है उसमें मर्डर्स हो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि मर्डर हो रहा है, तो जितना वो पुलिस वाले और बाकी लोग उतने कन्फ्यूज हैं, उससे ज़्यादा ऑडियंस कन्फ्यूज है, फिर अचानक से वो हॉरर वॉरर होने लग जाता है। वो टिपिकल फॉर्मेट से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये शायद आपको शुरू में ही कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आपको ओके, मुझे लग रहा है कि ये आदमी कर रहा है, और फिर हर जगह पे आप लोगों को बचाने की कोशिश करोगे, वो बचा तो नहीं पाओगे, वो तो सामने चल रही है फिल्म, आप बोलने की तो कोशिश करोगे अरे तेरे पीछे खड़ा मार देगा तेरे को, आप समझो। तो वैसी वाली एक फीलिंग है, तो विच आई फील दैट अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम which sets it a little different from the usual who done it kind of a thing, where in the end it is revealed that who is this thing. Yeah. आप किस तरह फिल्म शूटिंग? Yeah, like he said that you know आप discover करोगे जैसे जैसे story आगे बढ़ती है, अब it's the process which you will enjoy that you know कौन किसको कैसे पकड़ेगा और वो murder करेगा तो किस तरह करेगा, and it will keep audience को gripped रखेगा. So I think audience will enjoy the cat and mouse chase. But आज के social media के दौर में you know how important or tough it is to make a murder mystery या who done it उस तरह की film, मतलब इतना लोग होते हैं spoilers डालते रहते हैं, ये करते रहते हैं, तो किस तरह का वो एक कहीं पे नहीं, उस हिसाब से जो spoilers वाली बात है उस हिसाब से नहीं damage होनी चाहिए ये चीज, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि समवेयर इन द बिगिनिंग ऑफ इट यू विल अंडरस्टैंड की दिस थिंग, बट द प्रॉब्लम इज यू थिंक यू आर वेरी स्मार्ट, यू हैव अंडरस्टूड, दैट इज बिकॉज द राइटर वांट्स यू टू अंडरस्टैंड, राइट, बट द प्रॉब्लम इज द पीपल हु आर ट्राइंग टू सॉल्व इट आर नॉट फाइंडिंग द करेक्ट द कनेक्शंस, ओके, सो देन द कैट एंड माउस इज। बट आपके साथ ऐसा हुआ है कोई फिल्म आप देखने गए और वहाँ पे पहले ही सस्पेंस पता चल गया? मेरे साथ गुप्त में हुआ था, हम जा रहे थे सारे कजिन्स थिएटर में घुसे, हाँ वो तो वो तो बता दिया था, वो तो पूरे पिक्चर हम लोग मेरे साथ गुप्त नहीं हुआ था, बट स्टिल आई एंजॉयड, ऑफ कोर्स वो तो म्यूजिक है, आई स्टिल लव्ड इट, आई मीन इट वाज अमेजिंग। नो नेवर, नहीं नेवर, लकी पीपल ट्राई टू से ना, लोग कहने की कोशिश करते हैं अच्छा अच्छा पता है इसके बाद क्या, तो आई स्टॉप देम, मत बताओ, मत स्पॉइल करो फन, तो लास्ट मिनट पे आके नहीं हुआ ऐसा कभी।
ये जो जॉनर है यू नो, इसमें एक टाइम था जब वी हैड फैंटास्टिक डायरेक्टर्स लाइक विजय आनंद थे, उसके बाद में अब्बास मस्तान ने इसे बहुत ही कमर्शियल वे में पूरा इसको प्रेजेंट किया था. कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा सा ये भटक गया था, अगेन थैंक्स टू श्रीराम राघवन, अगेन थोड़ा सा ये बच गया. तो क्या रीजन है, एज एन एक्टर आई वुड लाइक टू नो कि लोग इसको करने के लिए अभी भी इंडिया में, बिकॉज अब्रॉड में दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट जॉनर, यहाँ पे अभी भी वो उतना बड़ा नहीं हुआ डिस्पाइट ऑफ हैविंग सम फैंटास्टिक डायरेक्टर्स, यू नो इवन राज खोसला सर आल्सो मेड्स वन ऑफ द फाइनेस्ट थ्रिलर्स. या 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 एब्सोल्युटली. क्यों क्यों ये चीज रही इतनी बड़ी हुई? आई डोंट नो, आई थिंक अगेन बात वहीं पे आ जाती है दैट हाउ गुड इज योर स्क्रिप्ट. आप समझे, राइटर्स. तो अगर मुझे थ्रिलर्स देखनी हो तो जब मैं एक थ्रिलर देखता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार ये क्या कमाल की थ्रिलर है, आप यूजुअल सस्पेक्ट्स देख लो, फ्लॉलेस फ्लॉलेस स्क्रीन प्ले, सुपर लास्ट फ्रेम तक. फिर भी आप सोचते हो ओ माय गॉड, फिर आप बोलते हो आप एक बार और देखूंगा, एंड देन यू गो बैक एंड देन यू वॉच इट अगेन एंड स्टिल ट्राई टू दिस थिंग एंड से ओ माय गॉड, कहाँ कहाँ क्लूज छोड़े इसने, कहाँ कहाँ क्या किया. आप हर चीज को वो समझने की कोशिश करते हो, तो जितनी बार आप देखते हो उतना आप इंजॉय करते हो, उतनी चीजों को डिस्कवर करते हो. हिचकॉक की फिल्म्स होती थी, रोप वोप जो है, किसी उसके मैंने सुना है कि एडिटर ने बोल दिया था कि फिल्में तो एडिट टेबल बनती हैं, तो उसने बोला ठीक है मैं बना के दिखाऊंगा तो वो फिल्म. तो उन्होंने वो एक फिल्म आई थिंक रोप बनाई थी जिसमें 7 या 8 कट्स हैं. मैंने वो डीवीडीज ला के कितनी बार देखी कि कहाँ पे कटा होगा, क्या हुआ होगा, 2-3 से ज़्यादा ढूंढ नहीं पाए थे हम लोग, बिकॉज वहाँ पर रील ख़त्म हो जाती थी तो उसको जोड़ना पड़ता था. But there was no editing involved in this. The whole thing is playing in one go. So, So आप देखिए कितनी thriller है. But then again, the thing is that how much you worked on that script and everything. जिमी, आपके हमेशा अगर करियर की बात करेंगे, यू हैव जो भी आप किस्म के रोल्स करते हैं, यू ऑलवेज गो फिट इनटू दैट. यू नो पहले एक रोमांटिक वाला फेज था, अगेन फैबुलसली चॉकलेट बॉय वाला चीज़ हुआ, फिर थ्रिलर्स हुए, फिर ड्रामेटिक वाले हुए, देन द एंटायर पंजाबी सिनेमा विल टॉक अबाउट दैट. तो एक वो जो चीज़ होती है, यू कीप ट्राइंग ऑन एंड ऑन, बट उसमें लोग होते हैं ना, कितने लोग होते हैं जिनका करते हैं ट्राई लेकिन होता नहीं. आप टच वुड यू फिट इन टू दैट, और आप एक वो हो जाता है कि हाँ दिस रोल इज एप्ट फॉर जिमी शेगल. ये कितनी बार हुआ, मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि ये फिल्म देखते हैं देन यू कैन नॉट थिंक कि ये रोल और कोई नहीं कर सकता, ये यही कर सकते. नहीं, मैं थोड़ा क्रिटिकल तरीके से देखता हूँ. मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, यार इस सीन में मैं ये इसको इस तरीके से कर सकता था. आई शुड हैव, व्हाई डिड आई नॉट थिंक अबाउट इट, व्हाई. बट देन दैट इज हाउ यू इवॉल्व, बिकॉज ये फिल्म आपने शायद 8 महीने पहले की थी, अलग सर्कमस्टांसिस में की थी, अलग डायरेक्टर के साथ की थी, फिर उसके बाद आपने शायद 2 डायरेक्टर्स के साथ और काम किया, शायद उन 8 महीनों में आपने बहुत कुछ पढ़ा सीखा देखा सब कुछ है, तो आज आपकी अप्रोच सेम सीन को लेके कुछ अलग है. आप समझ रहे हो, दैट्स बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग, वॉचिंग, ऑब्जर्विंग, एंड दैट इज हाउ यू आर इवॉल्विंग. सो वो एक क्रिटिकली देख के आदमी को हमेशा लगता रहे यार ये कुछ और तरीके से हो सकता था, इसमें मैं कुछ अलग कर सकता था, आई शुड हैव डन इट लाइक दैट. सो मेरा दिमाग ऐसी चीजों पे चल रहा होता है जो आपको लगता है कि जहां पे और कुछ नहीं कर सकता, सो दैट एज पर यू जो वेयर यू आर हैप्पी कि ये जो मैंने किया. नहीं, बट देन देयर आर सर्टेन सीन्स व्हिच अ डायरेक्टर हैज कंसीव्ड इन अ सर्टेन वे एंड ऑल दैट व्हाटएवर व्हिच वर्क्ड फॉर यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो, व्हिच यू फील दैट आर वर्किंग राइट नाउ आल्सो. आई एम नॉट सेइंग कि एवरी सीन में ऐसा होता है, बट क्वाइट अ फ्यू सीन्स में आपको ऐसा लगता है कि अरे I should have just looked the other side. I should have just done that. कोई ना कोई आप खामी constantly you're watching, आप निकाल रहे हो उसके अंदर से. So वो definitely एक ऐसी चीज़ है जो होती है कि हाँ मैं ये कर सकता था, मैं इसकी look को थोड़ा और different कर सकता था, like that. Those kind of things happen. So talking about Punjabi cinema, you know, ये पहली बार last time भी मैंने इस पे बात किया था कि एक phase था when big names were associated, Raj Babbar, Dharam Ji, ये सब वहाँ पे जुड़े थे, and suddenly उसके बाद एक decline आया था until you went back and आपकी जो फिल्में हिट हुई वहाँ पे, जो big एक stardom add हुआ, and suddenly इस पे हमने I think दिलजीत से भी बात की थी, said yes जिमी पाजी आए तो एक बड़ी बड़ी फिल्में बनने लग गई थी, उसके बाद suddenly that entire industry started booming. तो वो थॉट जब आपने वो प्रोसेस यहाँ से जब आप वहाँ गए थे, तभी कभी कहीं झिझक थी कि सोचा था कि इतना बड़ा हो जाएगा,
नहीं, ऐसा नहीं सोचा था कि बड़ा हो जाएगा, ऐसा सोचा था कि इसको बड़ा करना है. बिकॉज मैंने अपनी पहली जो पंजाबी फिल्म की थी वो मनमोहन सिंह जी के लिए की थी. मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि मैं पंजाबी फिल्म करना चाहता हूँ. मुझे तो बस मंजी ने बोला, मैं पंजाब से था, मेरे को मौका मिला. और मंजी की फिल्म में दो फिल्में उससे पहले आ चुकी थी. मनमोहन सिंह जी ने अपना इतना बड़ा लेजेंडरी करियर यहाँ से छोड़ के जाके वहाँ पे पंजाबी फिल्में बनाना शुरू किया, और दो फिल्में उनकी आ चुकी थी, असानुमान वतनादा और जी आयन, और दोनों ब्लॉकबस्टर्स, स्पेशली ओवरसीज एंड ऑल दैट व्हाटएवर. उन्होंने काफ़ी आवाज़ की थी हरभजन पाजी के साथ. और अचानक से मंजी ने मुझे बोला कि एक ऐसी सी कहानी है, ये है वो है. और मैंने कहा मंजी आप नहीं भी सुनाओगे, आई एम डूइंग इट फॉर यू. बिकॉज मेरी शुरुआत उनके साथ हुई थी, माचिस, मोहब्बतें, एवरीथिंग. एंड मंजी इज सच अ लवली मैन. एंड मंजी आई एम डूइंग इट, सो एंड दैट्स इट. एंड आई went and shot with Manji and I enjoyed so much being back in Punjab. Koi apne dost cousin itne saalon baad sabko mil rahe hain, sab kar rahe hain. Aur kya aur wo zamana alag tha us time pe. Aisa koi social media nahi, koi kuch nahi, to kitna matlab har cheez mein kitna. Wahan se fir hum Himachal gaye, wahan songs shoot hue, sara kuch. To aisa lag raha tha ki koi bahut badi hindi film mana rahe hain. So only the language was different because Manmohan Singh was from here, basically from hindi films. And phir uske baad wo film release hui. Hume aaj bhi yaad hai 22 prints mein पंजाब में उस टाइम पे. वो भी बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, बहुत मतलब बहुत ही बड़ी बात. मगर जो मैडनेस उस फिल्म ने क्रिएट की थी कि वो 3-4 दिन तक, आई रिमेंबर माय फादर कॉलिंग अप फ्रॉम पटियाला एंड सेइंग कि यार 4 दिन से हम जा रहे हैं और वो थिएटर ओनर इज टेलिंग मी कि अंकल मत देखो आप यहाँ पे, इट्स नॉट द करेक्ट टाइम टू वॉच इट. बिकॉज इट वॉज लाइक अ मेला हैपनिंग इनसाइड. दे वर ओनली डांसिंग फॉर 4 डेज. सो ही सेड कि आप इसको मंडे ट्यूजडे को आके देखना, तब तक सेटल इन हो गया होगा, फिर फैमिलीज आनी शुरू होंगी. सो व्हेन आई गॉट दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स, थिएटर ओनर्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, फिर मैंने कहा यार दिस कैन बी अ वेरी बिग इंडस्ट्री. And then onwards, I started taking out 4-4-5-5 months from my calendar, only dedicated to one Punjabi film. So, I ek film karta tha, फिर उसके बाद उसकी 3-4 महीने प्रमोशन करता था. उस जमाने में कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई कुछ नहीं था. घर घर जाके प्लीज़ गो एंड वॉच पंजाबी फिल्म. पंजाबी फिल्में जो हैं हमारी बहुत अच्छी बॉलीवुड के लेवल की बना रहे हैं हम. अब देखो एक बार जाके, कनाडा जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, अपनी टिकट लेके निकल जाते थे. और वो किया करते 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 3-4 films डाउन द लाइन इन 2009-10 में मेल करा दे रब्बा रिलीज्ड इज वेयर. उससे पहले वाली भी एक के ऊपर एक गई, बट 2009-10 व्हेन मेल करा दे रब्बा रिलीज्ड इज व्हेन even the trade in Bollywood understood, oh my god, what is this business. North America, UK, Australia and all these places, and that is where the industry started this thing. Aur main hamesha kehta tha I just want this much ki ye ek apni industry ban jaye, yahan ke sare local superstars hon, jis tarike ke सिंगर्स या जो भी एक्टर्स हैं, जो भी हैं, इनकी अपनी एक इंडस्ट्री हो जैसी साउथ में है. सो दैट डे आई फेल्ट दैट द ड्रीम वाज अचीव. पर उसके बाद प्रॉब्लम ये थी कि जितने लोग आते थे वो यही बोलते थे मेल करा दे रब्बा, एक और बनाते हैं, उसी टाइप की बनाते हैं. मैंने कहा यार मैं वो तो नहीं बनाऊंगा, मुझे धरती बनानी है. अगर आपको बनानी है तो आप बोलो, मैं बनाऊंगा, बट मैं वो नॉर्मल नहीं बनाऊंगा. तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है फिर धरती बनाते हैं. माय रीजन फॉर मेकिंग धरती वाज आई जस्ट फेल्ट दैट द यूथ केम इन टू आवर मूवीज, द फैमिलीज केम इन, द किड्स केम इन, बट देयर वर द एल्डर्स, बुजुर्ग, जो हमें लगता था कि दे आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड, दे आर स्टिल नॉट दिस थिंग. एंड आई रियलाइज आई सेड देयर इज नथिंग बेटर देन मेकिंग अ पॉलिटिकल फिल्म विद अ पॉलिटिकल बैकड्रॉप.
एंड दैट वॉज माई रीजन फॉर डूइंग धरती एंड देन दे केम इन बॉम्बे में आई रिमेंबर धरती एंड देन दे रियलाइज्ड या एंड देन दे रियलाइज्ड दैट यार पंजाबी फिल्म्स हैव अ स्टैंडर्ड दे हैव देम मेड ऑन अ बिग स्केल एंड एवरीथिंग एंड देन ऑनवर्ड्स आई हैव जस्ट केप्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट आइडियाज डिफरेंट जॉनर्स बिकॉज वी आर सर्वाइविंग ओनली ऑन कॉमेडीज विद द फियर दैट नथिंग एल्स विल वर्क सो एक्चुअली नथिंग एल्स रियली वर्क्स टू दैट लेवल व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग बट आई स्टिल फील दैट राइट नाउ इवन विद आवर कॉमेडीज एंड एवरीथिंग ओनली 0.1% पीपल कम टू वॉच अ पंजाबी फिल्म द डे इवन 1% ऑफ पंजाबीज कम टू वॉच यू सी वेयर द थिंग गोज सो अभी देयर आर अ लॉट ऑफ The things we are working on is something we have to come all guns blazing is if you want to have that kind of a response from the audience, you gotta up your game a lot because see we have a huge audience. हम कर सकते हैं साउथ जैसा business, but for that we need to up our game also. But just imagine, you know, Universal film, जहाँ पे आप हो सारे जो ये जो singers भी है, again Shehnaz Gill coming out from there and making a history out of it. No, now it's a full-fledged industry. But what I'm trying to say is full-fledged industry. But the peak is going like that. If to get it there, where the South films have gone, we can easily achieve it in terms of our audience. We just need to up our game and be a little on the front foot and make something that is universally relevant. Mm. Like a connect with everybody and you say that, okay, fine, this is... Did you experience those entire thing with the Dharti ke time pe release? Wahan pe aapne kaise? I was not there, but of course I've seen Dharti and I love the film. I feel it's no less than any film you compare to. It's a beautiful film. But you come from music industry, आज with again, you know, Shehnaz making so big and everything. वहाँ से उसकी भी शुरुआत वहीं से हुई थी, Big Boss and now she's part of all the big movies. What do you मतलब क्या कैसा लगता है उसमें कहीं पे एक वहाँ पे एक hope let up कि भाई there's a big thing, new way for everyone out there. See, everybody has their own journey and own path, and you need to be here. You need to focus. Anybody and everybody can make it. I think overall it's a good thing for actors because you have the option of the Punjabi industry, the Bengali industry, you have the South industry, you have the Hindi film, you have OTT. There are so many options in today's date and time. So Jimmy, आपके कुछ जो fans हैं उनके सवाल आए तो ये है कि राजकुमार हिरानी is next में release हुआ डंकी में. अरे यार ये तो आपको ये तो राजू से पूछना चाहिए. मैं तो आई वुड लव टू वर्क विद राजू अगेन. एंड योर ऑनर उसमें आगे क्या कुछ हो रहा है? सी योर ऑनर मुझसे भी बहुत लोग पूछते हैं, बट द थिंग इज दैट योर ऑनर इज अ इजरायली शो एंड उसके एशियन सबकॉन्टिनेंट के सारे राइट्स हम लोग के पास हैं और अमेरिका के राइट्स एबीसी के पास हैं जो ब्रायन क्रैनस्टन करते हैं. तो उसका फ्लो ऐसा है कि इजरायली जब थर्ड सीजन रिलीज करेंगे फिर हम शुरू करेंगे. फिर बाय द टाइम वी शूट एंड फिनिश एंड रिलीज देन दे स्टार्ट. सो ऐसे चलता है वो. और लास्टली सवाल तो बहुत सारे लेकिन यहाँ पे मैम खड़े हैं तो नहीं नहीं पूछिए पूछिए आप पूछिए खुल के पूछिए. इसकी बात कर रहे थे पंजाबी फिल्म की, अगर गिवन अ चॉइस टू मेक अ बिगेस्ट यू नो एवेंजर्स ऑफ पंजाबी सिनेमा द बिगेस्ट फिल्म, तो क्या कास्टिंग आपके माइंड में चल रही है, किसको सोच रहे हैं? नहीं मैं सबको ले लूंगा. कुछ बताइए तो पीपल कैन यू नो इमेजिन कि अरे ये ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने. बट यस आई मीन रोल के हिसाब से जो भी जिसमें फिट होगा उस हिसाब से आई थिंक जितना बड़ा हो सकेगा ऐसे. अगर आप मेरे को चॉइस दे दें और बजट दे दें तो मैं तो बहुत लोग खड़े कर दूंगा. शाहरुख सलमान भी साथ में आए, नेक्स्ट में भी दे आर कमिंग टुगेदर, तो इतना बड़ा बजट है, बिग फिल्म वगैरह समथिंग
नहीं ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा आपको. इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग, यू हैव टू गिव देम द विजुअल्स ऑल्सो. यू हैव टू गिव देम, यू हैव टू अप योर गेम इन टर्म्स ऑफ द विजुअल्स ऑल्सो. यू हैव टू गिव देम समथिंग दैट दे आर दैट दे हैव बीन लॉन्गिंग टू सी इन पंजाबी फिल्म्स. यू नो मे बी इट्स दैट काइंड ऑफ एक्शन, मे बी इट इज दैट काइंड ऑफ दिस थिंग. सो या आई मीन वो चीज़ तो जब होगा नहीं तो वही बात हो जाती है ना कि अगर मेरी बुआ की मूछें होती तो मेरे चाचा होते. चलिए तो इसके बाद क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट फॉरथकमिंग के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए. बस अभी तो यही है, फिर कुछ फिल्में हैं जो जून उन से शुरू होंगी रिलीज होनी, एक दो मेरे शोज हैं जो आएंगे नेटफ्लिक्स एंड ऑल पे. सो फॉर दिस ईयर आई थिंक दिस इज ऑल दैट्स हैपनिंग एंड द शूटिंग्स आर हैपनिंग फॉर other films. Yeah, great. So we wish you guys all the best for all your future ventures, and thank you for being thank you so much. Yeah.